गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्पेशली गुड मॉर्निंग टू ऑल HJFEN। तो आज हम लोग एक नया वीडियो बनाने वाले हैं। नया वीडियो इसलिए क्योंकि देर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन ऑन माई यूट्यूब चैनल कि सर ये रूब्रिक कैसा, वो रूब्रिक कैसा, सर इस रूब्रिक को ऐसा एक्सप्लेन कर दो, आप रूब्रिक पढ़ाओ, या फिर ये रूब्रिक का डिफ्रेंसिएशन कैसा है। तो हम लोगों ने ये सोचा विद माई ऑल कलीग्स, हम लोगों ने ये सोचा कि चलो यार एक वीडियो बनाते हैं, रूब्रिक्स पे ही वीडियो बनाते हैं। थोड़ा सा डिटेल भी हो जाएगा, थोड़ा मजा भी आएगा और नई एनर्जी है सारे लोग, तो सब मेरे कलीग्स ही है। तो सबका इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये वैष्णवी पाटणकर है, Hello। ये सुश्रुत सेलोकर है, हेलो, ये सारे डॉक्टर्स हैं यहाँ। डॉक्टर प्राची चौकसे है, डॉक्टर अखिलेश गुप्ता है और डॉक्टर रोहित मैत्रीकर है। तो हमारे पास मैत्रीकर, पाटणकर, सेलोकर, गुप्ता और चौकसे सारे हैं। तो आज हम लोग कुछ नया करते हैं। तो हम लोग अब जैसे यूजुअली रेपर्टरी में बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, तो कौन सा चूज करना, कौन सा नहीं करना, तो हम लोगों ने बहुत इजी वाले रूब्रिक जो बहुत एक दूसरे से बहुत लिंक, ऐसी रूब्रिक करने की सोचे। तो कहां से शुरू करें, पाटणकर मैडम से शुरू करें या मैत्रीकर सर से शुरू करें? वो होता है कभी कभी ऐसा। तो हम लोग एक काम करते हैं, तो रोहित कहां से शुरू करें तू बताओ। ठीक है, मुझसे शुरू करते। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। So, पहला रूब्रिक अपन लेंगे फ्रिवोलस। वेरी गुड, ठीक है। फ्रिवोलस तो सबको पता है, फ्रिवोलस रूब्रिक मजा आने वाला है, बहुत लोगों ने उसको डिस्क्राइब भी किया है। सो फ्रिवोलस जो है ये एक एडजेक्टिव है, राइट, ठीक है। इसका वर्ड मीनिंग अगर अपन देखते हैं ना, नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पस और वैल्यू, इसका ये वर्ड मीनिंग है। अगर इसको हिंदी में अपन देखते हैं तो लक्ष्यहीन या मूर्खतापूर्ण, ये इसके लिए वर्ड्स अपन यूज करते हैं। सो इसको थोड़ा सा और डिटेल में अंडरस्टैंडिंग के साथ देखते हैं अपन अगर फ्रिवोलस को, right। तो फ्रिवोलस जो पेशेंट है ना, उसकी इसमें अपने को काफी केयर फ्री एंड सुपरफिशियल अप्रोच मिलेगा। कोई भी चीज क्यों ना हो उसके लाइफ में, वो हर चीज को लेके काफी केयर फ्री रहेगा एंड बहुत ज्यादा सुपरफिशियल उस चीज को देखेगा। वो जो एक सीरियसनेस रहती है ना उसमें, वो सीरियसनेस का लैक रहेगा उसमें। एंड हर किसी चीज को ना वो इजीली करना चाहेगा, इजी चीजें वो चाहता है। सो ऐसा वो फ्रिवोलस वाला बंदा है, ऐसे बहुत लाइट बंदा है, लाइट बंदा है। हाँ, जैसे फ्रिवोलस में जो है ना, फ्रिवोलस क्यों रहता है कि उसको पता ही नहीं रहता कि इसकी ये कंडीशन के बाद में क्या होने वाला है। मतलब उसको रीजन ही नहीं पता कि इसके बाद में अगर उसको बुखार है तो ये बुखार के बाद में मतलब उसका प्रॉब्लम और बढ़ के क्या हो सकता है, ये उसको पता ही नहीं रहता, उसका रीजन ही नहीं पता रहता, इसीलिए वो फ्रीवलस रहता है। उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं रहती, ऐसा उसको लगता है, ठीक है। जैसे कि मोस्टली अपने क्लिनिक में वगैरह आते हैं 103 बुखार में भी वो ऐसे नॉर्मल ही रहते हैं, मतलब दवाई भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते। जैसे मेरे क्लिनिक में आया था, उसको 103 बुखार था, ठीक है, और वो उसके घर वाले बता रहे थे ये काम ही कर रहा है, 103 में भी ये काम कर रहा है। तो मैंने पूछा उसको कि आप इतना काम क्यों कर रहे हो, तो वो बोला कि मेरी डेडलाइन है तो मुझे इतना इतना काम करना ही, जब तक मेरा काम होता नहीं है तब तक मैं रेस्ट नहीं ले सकता, सर बोले। और फिर मैंने बोला दवाई वगैरह क्यों नहीं ले रहे हो, तो सर बोले उतना कुछ तो लगता नहीं है, बोले इतना फीवर है करके, इससे भी ज्यादा फीवर मुझे पहले से ही आ रहा है। दे आर वेरी कैजुअल पर्सन, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैंने रेस्ट कैन नॉट रेस्ट लिया था, थिंग्स आर नॉट प्रॉपर प्लेस, एक ऐसा रूब्रिक लिया था, फ्रिवोलस लिया था, ठीक है, और इंडस्ट्रियस लिया था, और ऐसे करके मैंने सल्फर दिया था। क्या बात है, वेरी गुड, ठीक है। तो सल्फर इज ऑल्सो फ्रिवोलस बंदा, मतलब वो जब भी आपके सामने आएगा तो मजा आएगा। आपको अगर सल्फर अच्छे से पढ़ना है तो मेरा और मयूरेश सर का एक वीडियो है, वो भी आप देख सकते हो। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फ्रिवोलस के मिलते जुलते थोड़े से रूब्रिक्स है। फ्रिवोलस बंदा अगर हमारे सामने आया तो वो केयरलेस दिखेगा, या फिर कभी आपको हीडलेस दिखेगा, कभी कभी उसमें ऐसा लगेगा कि अरे यार इसमें ज्यादा एटीट्यूड तो नहीं है, ये तो बिल्कुल वैसा ही है, केयर फ्री बंदा दिखेगा। दिस वर्ड्स आर वेरी क्लोज टू दैट, बिंदास रहेगा। तो ये जो बाकी के वर्ड मैंने जो बोला है, ये वर्ड भी इसके साथ बहुत क्लोज कुछ बंदे आपको ऐसे भी दिखेंगे, फ्रिवोलस उसका एटीट्यूड भी दिखेगा, लेकिन दिखते वक्त उनको आपको ऐसा महसूस होगा कि यार इसमें जरा ज्यादा डेरिंग तो नहीं आ गई,
है ना, कभी कभी ऐसा भी लगेगा शायद कभी वो अपने को करेजियस दिखेगा, कभी अपने को ऐसा लगेगा कि वो ये ओडेसिटी तो नहीं है, है ना, तो मतलब कैसा है ये बंदा। तो हमको ऐसे वर्ड्स बहुत आते, तो प्राची फिर ओडेसिटी अगर आ गया जी, ऐसा बंदे में अगर ओडेसिटी दिखने लगे तो किस तरीके से दिखेगी? ओडेसिटी का अगर हम वर्ड मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है डीट, राइट, ठीक है, मतलब बोल्डनेस है, करेज है, लेकिन दे टेक कैलकुलेटिव रिस्क। एग्जैक्टली, कैलकुलेटिव रिस्क इज मोर इम्पोर्टेंट इन ओडेसिटी। कैलकुलेटिव रिस्क के साथ में आपको बोल्डनेस दिखेगा, राइट, एंड आप लोगों को लगेगा कि ये कैसा मतलब फूलिश चीजें कर रहा है, लेकिन दैट इज एट ऑल नॉट अ फूलिश, वो आपको दिखेगा फूलिश से ज्यादा उसके व्यूअर में ना शॉकिंग चीज दिखेगा। एग्जैक्टली, शॉकिंग अपने को लगेगा, उसमें कॉन्फिडेंस रहेगा, कॉन्फिडेंस के साथ में बोल्डनेस प्लस कैलकुलेटिव रिस्क इज इक्वल्स टू ऑडेसिटी। राइट राइट राइट, लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ ऑडेसिटी। एक मेरे पास केस भी था, तो वो हम मतलब हमारी एक कलीग है डॉक्टर सोनाली पटोरे मैडम, तो उनकी वो केस थी और हम दोनों ने मिलकर डिस्कस किया था। वो बंदी जो थी मतलब वो आजी थी, तो उनको मतलब हाइपरग्लाइसीमिया वाली वो पेशेंट थी, तो इतना मतलब आउट ऑफ कंट्रोल शुगर था और पैर में बहुत बड़ा ऐसा अल्सर बन गया था, तो डायबिटिक फूड था, वो डायबिटिक अल्सर था, तो इतना बड़ा था कि डॉक्टर लोगों ने बोल दिया था कि आपको शुगर भी कंट्रोल करना पड़ेगा और ये पैर शायद काटना भी पड़ेगा। बट इतने इसमें भी उसने बोला कि नहीं डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं, मैं पैर नहीं काटूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे पता है मैं होम्योपैथी मेडिसिन लूंगी। तो वो डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा कि अरे ये क्या है यार, मतलब क्या है ऐसा मेडिसिन वगैरह लेके ऐसा ठीक हो जाओगे ये वो, तो दैट एटीट्यूड। पर बाद में जब वो हमारे पास आई, हम लोगों ने ट्रीटमेंट दिया, अभी उसका पैर एकदम ठीक है, हम लोग आपको वो बिफोर आफ्टर वाले पीस भी इसमें डाल देंगे। तो जब वो आई हमारे पास, तो हमने पैर देखा और दैट वाज रियली हॉरिबल पैर, आपको वो फोटो में भी दिख जाएगा। पर वो जो एटीट्यूड था ना उसका, वो डॉक्टर को लग रहा था मतलब दैट इज ओडेशियस सर, वो पॉजिटिव रहते हैं, मतलब पॉजिटिव आप कंसीडर करोगे, आपको दिखते हुए वो पॉजिटिव कंसीडर भी दिखेगा। पर ओडेशियस में कैसा रहता है कि ओडेशियस में आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि अरे यार ये क्या चूतियाबंती कर रही है, है ना, आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार दिस इज फुलिशनेस यार, ऐसा थोड़ी ना है, पैर काटने की देरी आ गई, फुलिशनेस है। फिर लेकिन जब वो जस्टिफाई कर देते हैं ना, बट कैलकुलेशन होते दिमाग में चलते हैं, लोगों को चौंका देते हैं, चौंका देते हैं कि इतना करने के बाद भी, अब ठीक होने के बाद वो शी वॉज राइट एट हर प्लेस। एक और चीज इस एग्जाम्पल में थी कि वो जो पर्सनल सेफ्टी जो था ना, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम था, लैक था, जो ऑडेसिटी में अपने को दिखता है, एक डिसरिगार्ड ऑफ पर्सनल सेफ्टी रहता है उसमें, आपको थोड़ा सा रिस्क, कभी कभी प्राची, हम लोग सुबह डिस्कस करते थे प्राची और मैं, तो प्राची ने एक बहुत अच्छा चीज बोला था कि इनका जो बिहेवियर है ना वो कैसा दिखेगा प्राची, वो मतलब लोगों को ऐसा लगेगा कि इनका बिहेवियर हमारे तरफ रूड है, एरोगेंट है, कंटेंचुअस है, नॉट एवरी टाइम, समटाइम्स समटाइम्स कभी कभार ये चीज दिखेगी। जैसे मूवी थी पैडमैन सर, सभी ने देखा है, काफी फेमस मूवी है, अक्षय कुमार वाली मूवी, पहले लोगों को लगता है कि ये क्या है, कुछ भी है करके, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन एट द एंड द रिजल्ट स्पोक कि व्हाट वाज द रिजल्ट। तो स्टार्टिंग में यही चीज लगती है कि ये कुछ भी कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, लेकिन एट द एंड ही प्रूव हिमसेल्फ कि व्हाट एवर आई एम डूइंग या व्हाट वाज माय डिसीजन वाज वेरी राइट। जैसा एक एग्जांपल देता हूं कॉमेडी का, जैसे कोविड में बहुत लोगों की नौकरी आ गई, जॉब गया, बहुत लोगों के जॉब गए, जॉब नहीं थे, कंपनियां फायर कर रही थी लोगों को, है ना। ऐसे में कोई एक बंदा था जिसके मतलब अच्छा खासा जॉब पे था, वो उसका पेमेंट 2 लाख पर मंथ था, ठीक है, लेकिन क्या हो गया, अभी उसको पता है कि मैं अगर एक प्रेस्टिजियस कॉलेज से अगर मैंने MBA किया तो मेरा पैकेज जो है वो बढ़ जाएगा, उसको पता है कि मैं अभी मैं 2 लाख है तो मेरा आगे 4 लाख होने वाला है, ठीक है। तो घर में डिस्कस करता है उस कंडीशन में कि समय अभी एक जॉब जो है अभी छोड़ रहा हूँ,
तो लोगों को शॉक लगता है ऑब्वियसली ना, 2 लाख पेमेंट कम नहीं होता भाई, और वो भी कॉमेडी में, कॉमेडी में जॉब जा रही है, जॉब जा रही है। लेकिन ये अभी जैसे प्राची निवास सर ने बताया ओडिसी से क्या होता है, उसको कॉन्फिडेंस होता है खुद के ऊपर, है ना, और वो फुल पॉजिटिव रहता है कि नहीं मैं ये जो रिस्क में ले रहा हूँ ये कैलकुलेटेड रिस्क है मेरा, और मुझे पता है कि मैं आगे सक्सेस मुझे मिलने वाला है। he is sure about his decision, sir. उसको पता रहता है कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, इसी वजह से ना हर कोई उनको देखने वाला शॉक रह जाता है, बाद में शॉक, अरे यार ऐसा कैसा डिसीजन ले लिया इसने, नहीं बट ही वाज राइट है। एक एग्जांपल भी है अर्षद मेहता करके, बिल्कुल पता है, बिल्कुल कोई पता है, ठीक है, तो सब ऐसे ही समझते हैं उसको कि ये नहीं कर सकता, लेकिन वो करके दिखाता, वो चौका देता है ना सबको, ठीक है, लोग उसको फुलिश ही समझते पहले, लेकिन वो करके दिखाता, तो दैट इज ऑडेसिटी। तो ओडेसिटी के साथ एक और वर्ड बहुत क्लोज जाता है, वो वर्ड क्या है, टेमेरिटी। टेमेरिटी इज वेरी क्लोज टू ओडेसिटी। तो अब ये टेमेरिटी क्या है, टेमेरिटी और ओडेसिटी में बहुत कंफ्यूजन चलते, दे आर वेरी पैरेलल सर, बहुत पैरेलल चलते। तो टेमेरिटी इज ऑल्सो करेज, राइट, बोल्डनेस, बराबर, मतलब ओडेसिटी में भी करेज है, टेमेरिटी में भी करेज है, बिल्कुल, दोनों में भी रूडनेस दिखेगा, राइट, लेकिन टेमेरिटी में आपको लैक ऑफ रिस्पेक्ट दिखता है, ऐसा फूलिश बिहेवियर, फूलिश बोल्डनेस, फूलिश चीजें दिखेगी। वो कभी आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत एक वीडियो चल रहा था, वो ट्रेन वाले बच्चे नहीं क्या ऐसी ट्रेन को पकड़ के फिर वो चलती ट्रेन में स्टंट मारते थे, वो बाइक चलाने वाले लड़के बहुत, दैट इज टेमेरिटी। मतलब यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये क्या पगला बोलती है, इसको दिमाग है या नहीं है, ये कर क्या रहे हैं, कितना करना चाहिए, कितना रिस्क लेना चाहिए, इनको पता नहीं, बट दे आर वेरी बोल्ड, बोल्ड, बहुत बहुत, मतलब इतना बोल्ड कि दैट इज फुलिश करेज, मतलब उसको आप मतलब बोल सकते हो एकदम मस्त, दुस्साहस। एंड सर टेमेरिटी में दे डोंट थिंक ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, वो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते ही नहीं है, पर ओडेशियस पर्सन को पता रहता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, सिंस ही इज वेरी कैलकुलेटेड, बराबर बराबर, ये दोनों देख लें, ये दोनों वर्ड के लिए बहुत क्लोज जाते हैं। तो आप भी थोड़ा सा रिसर्च करो, आप भी थोड़ा सा पढ़ाई करो, और उसी हिसाब से फिर आपके पेशेंट्स में उनको देखने की कोशिश करना मोस्ट ऑफ द टाइम। ये दोनों भी वर्ड में, मतलब ओडेसिटी हो गया बाद में टेमेरिटी हो गया, ये दोनों में एक वर्ड कॉमन है, दैट इज करेज, है ना, क्योंकि ये सारी चीज करने के लिए दम तो लगता है, है ना, तो करेज करके भी अपने पास एक रूपरेख है, करेजियस करके। Now, how will you differentiate between audacity, courage and temerity? It is very, very close. Courage वाला बंदा जो है ना, उसको देख के आपको हमेशा ऐसे लगेगा यार दम है यार, इट्स एन पॉजिटिव वाइब आएंगे आप में, इननेट क्वालिटी एंड टेमेरिटी इज अडॉप्टेड, लेकिन जो करेज है ये थ्रू आउट मिलेगा। और मतलब वो एक मूवी आया था ना बाहुबली वाला, उसमें वो जब वो प्रभास वो जब वो लड़ाई पे जाते हैं और फिर वो लड़ाई करते करते उनके सैनिक कुछ मर जाते हैं, फिर वो कुछ सैनिक का हाथ पैर टूट जाता है और वो वापस जाना शुरू करते हैं, तो प्रभास सामने आता है और बोलता है मृत्यु क्या है, मृत्यु है ना, दुश्मन के सामने सर झुकाना है मृत्यु या लड़ जाना है मृत्यु। तो वो जो डायलॉग है ना, दैट इज करेज, मतलब आपको ऐसे लगता है ना नहीं यार इसको देख के एकदम ऐसा हिम्मत आती है, करेजियस पीपल को आप जब भी देखोगे ना आपको भी ऐसे लगेगा नहीं यार दम है यार, ये आदमी में दम है, मजा आ जाएगा ये आदमी का, मतलब ये साहसी है, ये निडर है, है ना। कभी कभी कैसा अपने अपने रेपर्टरी में जितने भी रूब्रिक्स है, दिस ऑल आर मॉर्बिड रूब्रिक्स, सो करेजियस कब, जब जरूरत नहीं है तब भी ये करेजियस है। तो मतलब एक आध बार ऐसा हो सकता है कि फियरफुल एनवायरमेंट है, डर सबको लगता है डर, और डर के आगे ही जीत है, इस करेजियस है ना। सो ये 2-3 वर्ड तो हमारे पास बहुत इजीली आते ही है ना, ये सारी चीजें हैं। तो अब हमको भी ऐसा लगता है कि ये चीजों के साथ और कोई रेमेडी जाती है या फिर और कोई रूब्रिक अगर इसके क्लोज आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के आप कुछ चीजें और पूछ सकते हो, तो हम नए वीडियोस भी बनाएंगे। तो हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये ही रूब्रिक्स के साथ फ्रिवोलस हो गया, ऑडेसिटी हो गया, करेजियस हो गया, टेमेरिटी हो गया। अब चलते हैं ये ही रूब्रिक्स को, एक और रूब्रिक बहुत क्लोज जाता है, दैट इज हीडलेस। सो हीडलेस
अखिलेश अखिलेश नाम बताओ या कोई भी बता सकता है, ऐसा कुछ ये नहीं है। हेडलेस, चलो ठीक है। अभी हेडलेस क्या है, एक एडजेक्टिव है, विशेषण है ना, किसी के लिए अपन लगाते हैं हेडलेस। हेडलेस में अगर हम लोग उसको वर्ड को तोड़ेंगे, कभी आप रूब्रिक पढ़ते हो तो हमारे सवाल आते हैं कि कभी भी रूब्रिक को उसको जो अगर दो वर्ड ज्वाइंट है तो उसको आप तोड़ के देखो, है ना। तो उसमें अगर आप हीड और लेस, तो अगर आप हीड का मीनिंग देखोगे, आप अगर डिक्शनरी मीनिंग देखोगे तो उसका मतलब होता है ध्यान, मतलब ध्यान देना, हीड मतलब ध्यान देना। अब इसमें उसके पीछे क्या लगा, लेस, लेस मतलब कमी, कम ध्यान देना, केयरलेसनेस, ध्यान न देना, ठीक है उस मतलब। और अगर अच्छे से हिंदी मीनिंग देखो आप तो लापरवाह है, बेपरवाह है ना, मराठी में हो गया उसका दुर्लक्ष करना, ऐसे हो गया, ठीक है। तो अभी ये कैसे देखते हैं इसको बंदे में, तो अगर अपन एग्जांपल के तौर पे ले, तो अगर अपने डेली रूटीन में अगर एग्जांपल ले, आप हॉस्पिटल में जाते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो, वहां पे दीवार पर आप देखते हो वहां पे गुड़गा खा के थूका रहता है, फिर भी वहां लिखा रहता है यहाँ थूकना मना, यहाँ थूकना मना है, थूकना के जगह पे और एक वर्ड भी लिखा रहता है, वो तुम लोग गेस कर रहे हो। सड़क पे लिखा रहता है पेशाब लिखा रहता है, पेशाब करना मना है, और जो वहीं पे करेंगे, जो हेडलेस वाले रहते हैं ना, ये देखते हैं पढ़ते हैं, इनको पता है वहाँ लिखा रहेगा जुर्माना है, 500 का जुर्माना लगेगा, फिर भी ये वहीं पे थूक देंगे, वहीं पेशाब करेंगे, इनका क्या रहता है इनके पीछे कि देख लेंगे, है ना, इनको पता है कॉन्सिक्वेंसेस, पता है इनको कि वहां जुर्माना है, वहां पर अपने जुर्माना लग सकता है, लेकिन फिर भी ये ध्यान नहीं देते। मीनिंग मेन है इसका कि ध्यान न देना, देखकर भी ध्यान न देना, देख के अनदेखा करना, निग्लेक्ट कर देना, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस उनको पता रहता है फिर भी वो ध्यान नहीं देते, जैसे अपने सिगरेट के पैकेट्स पे भी लिखा रहता है कि इंजुरियस टू हेल्थ है, लेकिन वो देखने के बाद भी लोग पीते हैं, ठीक है, ये देख के भी अनदेखा कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्या हीडलेस, ठीक है। जैसे अभी पेशेंट्स आते हैं अपने क्लिनिक में वगैरह, ठीक है, तो पेशेंट्स के मोस्टली हस्बैंड बोलते हैं कि इसको पता है कि ठंडी चीजें खाने से या फिर खट्टा चीजें खाने से इसको सर्दी खांसी या फिर प्रॉब्लम होती है, फिर भी ये खाती, ठीक है, मतलब इसको पता है कि क्या प्रॉब्लम होने वाली है आगे जाने के बाद में, फिर भी ये अनदेखा कर देती है चीजों। तो यहाँ पे अपन हीडलेस ले सकते हैं, ठीक है। सो हीडलेस ऐसा मतलब स्ट्रक्चर है कि इसपे हीडलेस मतलब ऐसा नॉर्मली अपन कहीं पे भी ले सकते हैं, हीडलेस ऐसा बड़ा रूब्रिक है एज कम्पेयर टू फ्री विलर्स, ठीक है। हीडलेस केयरलेस ऐसा एक एक, एक वर्ड पे अपन उसको कर सकते हैं, लेकिन समाप्त कर सकते हैं हीडलेस केयरलेस। हेडलेस वाला किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, सभी अगर बीमारी में है तो कंडीशन के लिए वो हेडलेस है, बट अदरवाइज बाकी उसके लाइफ में जो काम कर रहा है उस पर ध्यान है, सब कुछ कर रहा, लेकिन आपको जब आप केस लेते हो तो उसमें आपको चलता है कि इसको लेके ये इसका ध्यान नहीं है, उसका क्या रहता है कि वो फ्यूचर को लेके इतना ये नहीं रहता, उसका रहता है देख लेंगे, अभी मजा ले रहे, जैसा डायबिटीज वाला है खा लेता है, क्या बोलेगा उसको पता है ये हो सकता है, लेकिन वो बोलता है अभी दो मिठाई खा लेते हैं, देख लेंगे जो होगा देखा जाएगा, अभी वो ध्यान नहीं देगा ऐसा। तो ये मतलब ये हीडलेस, हीडलेस में भी और हीडलेस के साथ केयरलेसनेस भी है, मतलब हीडलेस इज केयरलेस पर्सन। तो यहाँ पे और एक वर्ड बहुत क्लोज जाता है, दैट वर्ड इज केयर फ्री। तो केयर फ्री क्या रहता है ना, तो केयर फ्री वैष्णवी तू बता। तो जैसे अखिलेश सर ने भी बोला हीटलेस, तो हीटलेस को भी हमने दो में डिवाइड किया था, वैसे ही हम केयर फ्री को भी केयर और फ्री ऐसे दो वर्ड्स में डिवाइड करेंगे। तो ये तो केयर फ्री एक एडजेक्टिव है, केयर नाउन है और फ्री भी नाउन है। तो केयर फ्री में जो केयर है उसका मीनिंग होता है कंसर्न, रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्लोज अटेंशन, किसी भी चीज को एक देखभाल करना या फिर मराठी में बोल सकते हैं काळजी घेणे, तो ये होता है केयर केयर। तो और अगर फ्री जो होते हैं फ्री पूरा दिल से पूरा फ्री हो गया, फ्री हो जाना, आजाद हो जाना किसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से या किसी भी चीज से, आजाद हो जाना उस चीज से, फ्री होना, मुक्त होना, तो हम जब उसे कंबाइन करते हैं तो बनता है केयर फ्री। तो केयर फ्री जो होता है वो फ्री फ्रॉम एंजाइटी, फ्री फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जिसपे मैंने कोई वरीज नहीं है, कोई चिंता नहीं है, निश्चिंत हो जाना। तो एक मयूरेश सर ने हमें बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया था कोविड के सिचुएशन वाला। तो कोविड में कैसा था कि जो बहुत सारे जने सभी लोग डरे हुए थे, बहुत केयर कर रहे थे चीजों को लेके, बहुत कंसर्न थे,
अटेंशन देते थे हेल्थ को लेके या बाकी चीजों को लेके, अब मास्क वगैरह ऐसे पकड़ पकड़ के निकलते थे बिल्कुल, अरे तू दूर बैठ, अभी हम लोग कैसे क्लोज बैठे हैं। तो जैसे फिर धीरे धीरे उन्होंने अडॉप्ट कर दिया उस चीज को और फिर वो केयर फ्री हो गए, अब किसी को कोई टेंशन नहीं, अब कोई मास्क लगा के नहीं घूमता, अब पब्लिक प्लेस पे भी कोई डिस्टेंस भी मेंटेन। कोरोना चला गया रे, देखो वो फर्स्ट वेव में कैसा ना, सब लोग ऐसे डरे हुए थे यार क्वारंटाइन तो नहीं कर देंगे, ये तो नहीं कर देंगे। सेकंड वेव के जस्ट पहले तक के नहीं लोग, अरे अब तो क्या है कोरोना चिल्ल रहे हैं, चला गया ना कोरोना, लोग केयर फ्री हो गए थे, अभी कोरोना वगैरह अपने को कुछ नहीं होने वाला करके। केयर फ्री का एक और एग्जांपल, जैसे अपने मम्मी पापा रहते हैं, अपने मम्मी पापा हमको पढ़ाने के लिए एकदम बहुत केयरफुली हमको पढ़ाते हैं, ये सारी चीज करते हैं, फिर हम लोग जब सेटल हो जाते हैं ना, वो सोचते हैं अब यार मैं मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एकदम ये हो गया, फ्री हो गया, फ्री हो गया, दैट इज केयर फ्री एटीट्यूड। ठीक है, तो इसके साथ अब ये सारे, अब कितने रूब्रिक्स हो गए आज, बहुत सारे रूब्रिक्स हो गए ना, तो पांच हो गए, तो मतलब फ्रिवोलस हो गया, अब ये सारे चीज में एक चीज आपको बहुत कॉमनली लिंक होते हुए दिखेगी, वो लिंक है, आप उसको बोल सकते हो ये सारे लोग की नहीं, किसी ना किसी चीज को निग्लेक्ट करते हैं या फिर उस चीज से कि नहीं थोड़ा सा दुरावा करते हैं, तो वो रूब्रिक है इनडिफरेंस, है ना। तो इनडिफरेंस क्या है वो भी हम आज समझते हैं, तो इनडिफरेंस कौन बताएगा, सुशील सर आप बता दो। सो इंडिफरेंस में कैसा होता है ना, इंडिफरेंस मतलब क्या, जैसे लैक ऑफ इंटरेस्ट, कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता, पहले होता है लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ना लेना मतलब कैसा, कि उसके उसका कारण होता है, उसका कंसर्न होता है कि इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मदर है और उसका एक बेबी है, तो उस बेबी की तबीयत खराब है, तो ये कैसी है ना, मदर जो है वो बाकी कामों को इंडिफरेंस कर लेंगी, मतलब उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगी, लेकिन बच्चे की तरफ पहले ध्यान देंगी। ये घर घर की कहानी है, बच्चों के लिए अपनी मम्मी बिल्कुल वैसी करती थी। तो वैसे ही अगर पेशेंट्स आते भी है अपने क्लिनिक में, तो वहाँ पे भी अगर अपन उनको पूछे कि आप क्यों नहीं आ रहे, मतलब पेशेंट को अगर पूछा जाए अपने कि क्यों नहीं आ रहे थे आप क्लिनिक में वगैरह, तो वो बोलते हैं कि घर का काम बहुत ज्यादा रहता है इसीलिए मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, ये तो होती ही रहता है, सर्दी खांसी या फिर बाकी की चीजें तो होती रहती है, लेकिन घर का काम इम्पोर्टेंट है ना मेरे लिए। सो मोस्टली सेपिया लेडीज जो होती है वो ऐसे इंडिफरेंस कर देती है अपनी तबीयत को लेके, लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है, बड़ी चीज जो होती है उसके लिए इम्पोर्टेंट, जैसे कि उसका घर का काम। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिफरेंस क्या हुआ, वो खुद को इंडिफरेंस कर लिया, मतलब खुद को लेके उसकी तबीयत खराब है फिर भी वो उतना देख नहीं रही है खुद की तरफ, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज को वो ज्यादा ध्यान देती है। जैसे हम लोगों ने तोड़ तोड़ के सीखा ना, इन डिफरेंस मतलब जो चीजों को पहले डिफरेंस पड़ता था, फर्क पड़ता था, अब इन डिफरेंट हो गया है वो, तो मतलब पहले फर्क पड़ने वाली चीज भी आपको वो थोड़ी सी ध्यान में रखना चाहिए। अब ये सारे रूब्रिक का एक जीस्ट है, ये सारे रूब्रिक में आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ छूट गया है, या फिर इसको साला यार अकल है या नहीं है, ये सही में ऐसी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो एक और रूब्रिक बहुत प्यारा सा रूब्रिक है वो ऐड हो जाएगा, वो रूब्रिक ऐसा है, डेंजर नो सेंस ऑफ डेंजर, है ना। डेंजर नो सेंस ऑफ डेंजर वाले आपको बच्चे बहुत मिलेंगे, पहले तो हम लोग वो रूब्रिक समझ लेते हैं, तो कौन बताएगा अखिलेश, चलो बिल्कुल बढ़िया। जैसे हिडलेस था वैसे डेंजर नो सेंस ऑफ डेंजर में भी आपको दो वर्ड मिल रहे हैं, है ना, एक डेंजर मिल रहा और एक सेंस मिल रहा नो सेंस ऑफ डेंजर। ठीक है, तो डेंजर क्या होता है, तो डेंजर एक खतरा हो गया, है ना, खतरा भय। अभी जो खतरा होता है जरूरी नहीं कि सामने से कोई आपको चाकू लेके मारने आ रहा है, वो तो एक डेंजर है ही है, इसका आप ऐसा हेल्थ पे वो भी खतरा है, आपकी संपत्ति को धन को उसको भी खतरा है, तब मतलब डेंजर आप हर सेंस में एक पेशेंट के इससे या पर्सन के इससे आप ले सकते हो, उसको किसी भी लाइफ के उसके किसी भी स्टेट में उसको ये खतरा वो जान पड़ता है, ये मुझे खतरा है इससे। ठीक है, अब उसके साथ में क्या लगा है, नो सेंस ऑफ डेंजर, आप अगर सिर्फ नो सेंस ऑफ लोगे तो इसका मतलब क्या है, मतलब इसमें नो है, नो का मतलब नकारात्मक नहीं, है ना, नो, और सेंस मतलब समझ, एक जो आपकी समझ होती है, तो नो सेंस ऑफ, तो इसमें समझ नहीं है इसको किसकी डेंजर, जो डेंजर आने वाला है, जो खतरा आने वाला है उसको इसको समझ नहीं है, ये एक इन जनरल मीनिंग हो गया। अगर आप रूब्रिक को अपन एक रीडिंग में पढ़ते हैं तो ऐसे, तो अगर मतलब डर का आभास ना होना, मतलब जो खतरा आ रहा है उसका
समझना होगा। स्पेशली वो जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, वो ऐसी टेबल पे चढ़ जाते हैं और वहां से जंप कर देते हैं। दे रियली डजंट बॉदर कि मेरे को लगेगा या नहीं लगेगा, वहां पे सेंसलेसनेस थोड़ा सा आ जाता है। कुछ कुछ बच्चे रहते हैं ना जो एकदम गाय के पीछे चले जाएंगे, उसकी पूंछ ही खींच लेंगे, है ना। दे आर ऑल्सो सेंस, मतलब सेंस रहता है, पर उस वक्त उनको समझ में नहीं आता कि सही में वहां पे डेंजर का कोई सेंस है भी या नहीं है। मोस्टली आगे जाके जो जहाँ से इंजुरी होती है उसकी भावना ही सेंसिटिविटी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। दिस इज डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर। आप वहाँ पे बहुत बार ले सकते हो, तो इतने सारे रूब्रिक मुझे ऐसे लगता बहुत होते हैं, तो कि और कुछ ऐड करना है आप लोगों को समझाने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बड़ा नहीं नहीं ठीक है, अपने व्यूअर्स को भी देखना चाहिए ना। सो मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग इसका पार्ट टू भी लेके आएंगे, आगे में भी एक एक नए 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 रूब्रिक्स को एक्सप्लोर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। कुछ 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 आप लोगों को ऐड करना है तो अगर आप ऐड कर सकते हो, या फिर मस्त पैकी मजा करते हैं, फिर से नई शुरुआत करते हैं डायरेक्टली नए वीडियो के साथ पक्का आएंगे। लेकिन तब तक हमारे वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब तो पक्का करो, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू सर।